शुक्रिया आप सबका, आप सब यहाँ पे हैं, शाम होने को है और ऋतु का जो मामला है मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। जैसा कि अभी संदीप ने कहा भी, मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ अम्बेडकर नामा, और थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ तो इतिहास के बगैर मैं बात नहीं करता। आपको याद होगा कि IIT खड़गपुर में एक टीचर ने छात्रों के क्लासरूम में अपशब्द का प्रयोग किया है। उस समय मैंने एक एपिसोड बनाया था, उसका नाम था हाउ डेयर यू। मैंने एक सीरीज चलाई थी कि हाउ डेयर यू। उसके बाद कुछ फिल्मी जगत के हीरोइन हैं या मॉडल हैं, उन्होंने भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया था, वो सीरीज चलते रहा। 3-4 दिन पहले, आपको अगर याद है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल था कि केरला में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में मोहनन भूख हड़ताल पर 29 तारीख से बैठी थी, क्योंकि उनको सुपरवाइजर तंग कर रहा था। उस पर भी ये सीरीज चलाई गई हाउ डेयर यू, एक कहने की आदत डाली। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से 3 दशक से जुड़ा हुआ हूँ, 30 वर्षों से। शायद हमारे कुछ साथी यहाँ होंगे, शायद 30 वर्ष से कम के होंगे। 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, 24 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और जो ऋतु के साथ हुआ है वो मैं कुछ अचंभा नहीं समझता। मुझे नहीं लगता है कोई अजीब सी बात हुई, ये रूटीन बात है। क्यों है आपको अचंभा, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आप विश्वविद्यालयों में जाइए, चाहे किसी भी संस्थान में जाइए, मैं विश्वविद्यालय खाली बात नहीं कर रहा, विश्वविद्यालय ज़्यादा टारगेट पे है, क्योंकि वहाँ ही एक वैकल्पिक विचारधारा आप रोहित वमूला के बाद उठाकर देखिए, और वहाँ से ही फूले अंबेडकर तमाम इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, जो आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट है, वहाँ से शुरू हुआ। इसलिए विश्वविद्यालय निशाने पर है, और ख़ास तौर से SC ST OBC के जो छात्र और टीचर दोनों, मैं दोनों कह रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पास आर्गूमेंट कि अभी इनके साथ जो हुआ है ये होना ही था। जैसे एक फिल्म आई थी ना, क्या होना था, वही होना ही था, मुझे लग ही रहा था। अब मैंने पहले भी इनको आगाह किया था, अगर इनको याद होगा, कि आपके साथ ये सब घटनाएं घट सकती हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था ये चाहता है कि आप जो है आँख झुकाकर, आँख नीचे कर रहिए, और जो लोग आँख नीचे करके नहीं रहते हैं, व्यवस्था क्या करता है, उसका एग्जाम्पल जो है रितु सिंह। मैं ये सब बात क्यों कहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ पे ये पढ़ाती है, वहाँ मैं पिछले 25 साल से हूँ, मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ, और शायद मेरे साथियों को नहीं पता होगा कि पहला एट्रोसिटीज एक्ट मैंने 1990 एक्ट में मॉरिस नगर थाने में किया था। और उसकी वजह क्या थी, मैं जुबली हॉल का छात्र था उस समय, उसकी वजह ये थी कि मैं किसी से झुकता नहीं था, आँख नहीं झुकाता था, अच्छे कपड़े पहनता था और स्टाइल में बात करता, यही लोगों को पसंद नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे मारपीट हुई हॉस्टल में, और मैंने जो है FIR पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में दर्ज किया था बाकायदा रिकॉर्ड पर। साथियों छोड़िए, मैं छात्र था, 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप सर्वे कर लीजिए, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस डिपार्टमेंट में जो भी SC ST OBC का कर्मचारी, टीचर या छात्र, ये रितु सिंह तो एक संकेत है, ये घटना नहीं, ये संकेत है कि कैसे सिस्टम ऑपरेसिव है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ तो उसके पीछे मैं कारण बताऊँ कि जहाँ जहाँ लोग आँख उठाते हैं, चाहे सम्मान से चलने की आदत डालते हैं, बाबा साहब ने कहा था एक बार कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवाइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कि सबसे बड़ी लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की। हम टीचर हैं, मेरा काम सवाल खड़े करना है, मेरा काम सरकार की समालोचना करना है, उनकी समीक्षा करना है, वहाँ जैसे ही बोलेंगे, एक पोस्ट डाल देंगे तो लोगों के नज़र में आ जाता कि ये कैसे बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो विश्वविद्यालय नहीं, वो एक तरह से पिंजरा घर बनाया जा रहा है, उनको जो मन करे वो सब करेंगे, और SC ST OBC या कोई टीचर छात्र कुछ भी करे तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। और ये तो अभी नई नई आए हैं, मैं कितने मुकदमा लड़ रहा हूँ, अभी भी हाई कोर्ट में एक मेरा मुकदमा है। क्यों है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, और उसमें 60 टीचर को मतलब इंक्रीमेंट कट का नोटिस हो गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवार हो गया, बीसी से अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन 5 साल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवार रखा मैं हूँ उसमें से। अभी हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वही नहीं, दो दो बार, एक बार फर्जी, पिछले वाइस चांसलर के समय जब दिनेश सिंह थे, ऑन रिकॉर्ड और सब कागज में रखता हूँ इतिहास का छात्र, कि दिनेश सिंह के समय एक फर्जी फिक्टिशियस महिला क्रिएट करके मेरे खिलाफ मामला जो है शिकायत दर्ज कराई गई। मेरे पास चिट्ठी आया, मैंने उसका बकायदा, इतिहास का छात्र हूँ आधा वकील भी, मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद महिला कहाँ गई पता ही नहीं था, मैंने पता लगाया को ना कोई एड्रेस था ना महिला। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, भारत का बहुत नामचीन कॉलेज, शंभू अब यहाँ पे होगा, उसने स्टोरी की थी 4-5 साल पहले, मेरे ऊपर फर्जी महिला मतलब उत्पीड़न के मुकदमे किए गए। हमने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तो स्वर्ग नरक में विश्वास करता नहीं, लेकिन कहते हैं कि जिसको स्वर्ग जाना है पहले मरना पड़ता है, तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है तो इसमें हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़ लेते हैं, और उसमें मैंने हरा दिया, और आज तक मुझे 5 साल हो गए, रिपोर्ट मुझे नहीं सौंपी गई है, समझ सकते हैं, मेरा लीगल राइट है। वकील साहब ये भी कहाँ, भानु प्रताप जी गए और महमूद साहब यहीं पे, कि अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है, इतने मैंने शिकायत दर्ज की हुई है, मेरे घर के सामने बाबा साहब मैंने मूर्ति लगाई है, हेरिटेज हाउस बनाया है, घर के सामने कूड़ादान खोल दिया है। तो इस तरह के, जैसे बचपन में हम लोग देखते थे कि नहीं जीत पा रहे हैं तो कुछ नहीं, साइकिल का टायर ही पंचर कर दो, तो जब हमसे नहीं जीत पा रहे हैं तर्क में और विमर्श में, तो ये सब काम होने की तैयारी। इसलिए मैंने सुना है प्राचा साहब और केस ढूंढ रहे थे, एक केस और जल्दी लेके मैं आने वाला हूँ। तो साथियों, इन परिस्थितियों से मुझे कितनी नोटिस मिल चुकी हैं कि सैलरी काट देंगे, सस्पेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, कितने लोग कह चुके हैं हम अगर इसी धमकाना है तो। राजकुमार का जो एक डायलॉग था कि इस्तीफा जेब में लेके चलता हूँ, तो मैंने भी कहा है कि भैया ऐसा है, नौकरी तो इसी जेब में लेके चलता हूँ, कि ये जो डर गया समझो मर गया। बेसिकली एक एक आदमी को स्पॉट करके उस पर इस तरह के टॉर्चर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो डराने की साजिश है। सो वी हैव टू फाइट बैक। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल को हाई कोर्ट में क्वेश्चन करा दिया। मैं जानता हूँ कोर्ट में कैसे काम होते हैं, कितने बड़े नेक्सस है कॉलेज का लॉयर्स के बीच, जजेस के बीच, वो सारी बात हमें पता है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं खुद मुकदमा लड़ चुका हूँ, वो भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, वो पूरा नेक्सस है सरकार के लोगों का, तंत्र का, और लॉयर्स के, बड़े बड़े लॉयर्स, और उसमें बहुत सारे जजेज भी वो आर्गूमेंट नहीं सुनते हैं, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स। हो सकता है इसका अंदाजा आपको हुआ हो, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, लेकिन इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे साथी हैं, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया यही है, बाकी जो मीडिया है वो बड़े बड़े मीडिया है, उसको हम रिजर्वेशन वाला मीडिया कहते हैं, ये मेरा जो है मेरिट वाला मीडिया, ये रिजर्वेशन उधर है। आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो वायरल कीजिए, और याद रखिए अब रोहित बमूला नहीं होगा, कोई हमारा छात्र, कोई शिक्षक इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाएंगे। वी हैव टू फाइट बैक। कॉन्स्टिट्यूशन हमें संघर्ष करने का अधिकार देता है, हम लोग सब डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़े हैं, और जहां भी जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए राजनीतिक आंदोलन करना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना करें। और चलते मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर भारत सरकार में, HRD मिनिस्ट्री में और UGC में हिम्मत और ताकत है, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर में ताकत है, तो एक बार जितने प्रिंसिपल और प्रोफेसर हैं ना, उसका बायोडाटा, उनके राइटिंग्स और आर्टिकल्स एक बार चेक करवा लें, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आधा से ज़्यादा लोग जेल में चले जाएंगे। और वो लोग हमारे मेरिट की बात करते हैं, मुझे ये सिखलाते हैं कि हमें क्या बोलना है और नहीं बोलना है, जो बोल रहा हूँ ये बात यूनिवर्सिटी के तमाम फ्रेटर्निटी में भी जाएगी। मैं चुनौती देता हूँ कि जिनको जो एक्शन लेना होगा ले, मैं एक चुनौती पेश कर रहा हूँ कि सबका बायोडाटा चेक करवाइए, आर्टिकल चेक करवाइए, मुझे पता है कैसे प्रिंसिपल और प्रोफेसर बनने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आई नो दैट। तो ये रितु सिंह एक संकेत मात्र भर है, अगर आप डर गए तो इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को भी आप डरा के जाएंगे। तो हम लोग ना डरने वाले लोग हैं, ना झुकने वाले लोग हैं, रितु सिंह की जो संघर्ष है, जो इनकी लड़ाई है, आप सब, इस सामाजिक लड़ाई, इनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरे कई साथी कहते हैं क्या रतन लाल का तो अकेला झगड़ा है,
तो किस बात का झगड़ा है भाई मेरा? किसी का जमीन हड़प लिया है क्या है? चूंकि मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ, समाज की बात करता हूँ, आइडियोलॉजिकल पोजिशन लेता हूँ, तो लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए रितु सिंह की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, एक सामाजिक संघर्ष है। इसको समाज में जन जन तक पहुँचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।